वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप लोगों को ऐसे विश्वास नहीं होगा, प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड में कौन है, कौन रन कर रहा है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। भाई साहब बजीर एक्स का आपने नाम सुना है ना, इंडियन एक्सचेंज, जब ये स्टार्टिंग में आया था तो इसने अपने यूजर को 2-2 लाख रुपए के टोकन फ्री में दिए थे। भाई कैसे मार्केटिंग कर रही है ना वो निश्चल सेट्टी को आराम से, मतलब परफेक्टली पता है। अब एयरड्रॉप कैसे मिलेगा, तो इनकी साइड पे मैं आपको लेके जाऊं तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया यहाँ पे 5% मतलब जो टोकन है इनके, मतलब जो इनके टोकन रहेंगे SHM साडियम टोकन, मतलब 25 मिलियन टोकन कम्युनिटी के लिए एयरड्रॉप किया जाएगा। आप साफ साफ देख लेना। एंड EBM बेस्ड प्रोजेक्ट, मतलब आपका सारा काम मेटामास्क में हो जाएगा। एंड लो फीस के ऊपर एंड यहाँ पे आप नोड भी ऑपरेट कर पाओगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट में नोड रन के आप अर्निंग कर पाते हो। एंड यहाँ पे लो लेटेंसी एंड यहाँ पे सॉलिड सिक्योरिटी एंड यहाँ पे हाई फेयरनेस एनर्जी इफिशेंसी। अब आपको डायरेक्ट एयरड्रॉप के तरफ ले जाने से पहले सबसे पहले तो आपको वेरीफाइड हो गया कि भाई एयरड्रॉप एकदम जबरदस्त है और ये बंदा मतलब बजीर एक्स एक्सचेंज को चलाया था और मार्केटिंग कैसे करते हैं ना हर प्रोजेक्ट के, इसको एक नंबर तरीके से आता है और यहाँ पे आपको वो प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो देखो आपको बच्चों की तरह समझा दूंगा, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो में बने रहना, बस वीडियो को लाइक कर दो एंड नए लोग हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूं जिसमें आपको अच्छे से अच्छे एयरड्रॉप से आप लोगों की अर्निंग होती रहे। तो सबसे पहला टास्क आपके पास ब्राउजर होना चाहिए कीवी ब्राउजर का, देन मेटामास्क एक्सटेंशन आपके वॉलेट में ऐड होना चाहिए। मेटामास्क एक्सटेंशन 3 डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पे सो हो जाएगी, आपको वॉलेट कैसे बनाना है सारी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आपको अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको अपना वॉलेट ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को करना है इनका नेटवर्क ऐड, तो सबसे पहले हमको इस वाले पट्टी पे क्लिक कर देना है, इस एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड नेटवर्क का ऑप्शन, जैसे ही यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कुछ नेटवर्क दिए होंगे, आपको इन पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऐड और नेटवर्क मैनुअली पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कहेगा भैया ऐड खुद ही जब ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे ये सारी चीज दो। तो मैं क्या करूँगा, तो बेसिकली यहाँ पे दो नेटवर्क दिए गए हैं, एक तो यहाँ पे इनका चल रहा है साडियम लाइबर्टी 1.6 और जो दूसरा चल रहा है यहाँ पे साडियम लाइबर्टी 2.0, ठीक है। तो इसमें तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अभी हम लोग जो यहाँ पे ट्राई करने वाले वो यहाँ पे A to Z ये वाला करेंगे 1.6। तो इसका पूरा RPC मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, देखो नेटवर्क नेम में आपको ये कॉपी करके डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड RPC में RPC एंड यहाँ पे आपको सारी चीजें डाल देना, चेन आईडी में ये और करेंसी सिंबल में ये और ब्लॉक एक्सप्लोरर में ये, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, देन आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा सक्सेसफुली एडेड। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है फॉसेट। अब फॉसेट के लिए आपको अपना एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन फॉसेट आप इनके दो तरीके से यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, सबसे जो पहला आपको मतलब दो ऑप्शन रहेंगे, एक डिस्कॉर्ड वाला और एक ट्विटर वाला। तो देखो जिन लोगों ने कर लिया उसकी तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने नहीं किया तो मस्ट इस एयरड्रॉप को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ब्लू एरो पे क्लिक करना है। ब्लू एरो पे क्लिक करा तो यहाँ पे बैग हो गया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, अब देखता हूँ ऑप्शन। हाँ ये देखो सारे ऑप्शन खुल गए। अब ऊपर जाते जाओगे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे साफ साफ दिखाई देंगे, एक यहाँ पे फॉसेट 2.0 का, एक दिखेगा फॉसेट 1.6 का। आपको क्या करना है, 1.6 वाला कर रहा है ना हम लोग, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक कमांड टाइप करनी है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन करना है, ये स्लैश होता है ना, ये स्लैश, और यहाँ पे आपको लिख देना है FA और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये फॉसेट का ऑप्शन, ठीक है, फॉसेट 1.6, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना, अब ये ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस और आपके ये दो कॉमा लग जाएंगे। आपको क्या करना है, जो आपने एड्रेस कॉपी किया ना वो यहाँ पे पेस्ट किया देन यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे यहाँ पे डालोगे तो ये कह रहा है फॉसेट टोकन फॉर यूजर हैव ऑलरेडी क्लेमेड, सॉरी गाइज मेरा ये वाला नहीं, मेरा ये वाला है, ठीक है, मैंने ये वाला भेजा था ना। तो ये कह रहा है फंड हैज बीन ट्रांसफरड, हम देखते हैं अपने वॉलेट में से इसने ट्रांसफर किया है नहीं किया है, और आपका एड्रेस ये ऑटोमेटिकली बोट यहाँ पे रिमूव कर देता है, ठीक है। मैं अपने वॉलेट में आ जाता हूँ, एक बार यहाँ पे वॉलेट ओपन करके देख लेता हूँ इसने दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने ओपन कर लिया और ये देखो आपको 100 SH टोकन मिल चुके हैं। अब सेकंड ये वाली लिंक दूंगा, सेकंड वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, सबसे पहले आपको क्लिक इस पर क्लिक करना है ट्वीट नाउ पे। देखो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आएगा ओके का ऑप्शन, जब आप ओके पे क्लिक करते हो ये रीडायरेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली आपके ट्विटर पे, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, ये किया आपने ऊपर, अब ये 00 जहाँ दिख रहा है आपको क्या करना है, आपको अपना ये एड्रेस कॉपी कर लेना है, देन यहाँ पे आपको आना है और ये 00
के ऊपर अपना पूरा कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देना है या फिर कैसे भी करके अपना एड्रेस डाल देना है। देन यहाँ पे ट्वीट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपने कर दिया ट्वीट पे क्लिक, अब आपको कुछ सेकंड वेट करना है। देन यहाँ पे भी आपको मतलब आपके 100 जो SHM टोकन है वो यहाँ पे रिसीव्ड हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे जो दूसरे वॉलेट में पड़े हैं ना, मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी 100 से ऊपर, तो यहाँ पे मैं अपना वो वॉलेट मतलब वॉलेट कॉपी करके देन यहाँ पे अपना 99.9 यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे अपने दूसरे वॉलेट से यहाँ पे इस वॉलेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे कोई कम ना मिले, क्योंकि जो ट्वीट वाला है ना उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है मिलने में, ठीक है। अब आपको जो सबसे पहला टास्क करना है, आपको इनका डोमेन रजिस्टर कर लेना है। देखो हर नेटवर्क मतलब हर प्रोजेक्ट का अपना अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे डोमेन नेटवर्क लेके आ रहा है, मतलब वो जिसमें यहाँ पे वो लोग अपना मतलब डोमेन क्रिएट करवाते हैं। तो इनका यहाँ पे सार्डियम नेम सर्विस है, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको डेस्कटॉप मोड पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। देन ये ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट पे कन्फर्मेशन वगैरह भेजेगा आपको। तो देखो यहाँ पे मैं आपको Yandex ब्राउजर में इसको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कीवी ब्राउजर में मुझे कोई दिक्कत आ रही थी, मैं नहीं चाहता हूँ आपको डायरेक्ट कोई दिक्कत आए। तो यहाँ पे आप Yandex ब्राउजर को मतलब यूज कर लेना, एंड यहाँ पे आपको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना। आप जैसे ही कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके MetaMask पे देखोगे एक कन्फर्मेशन आई होगी, ठीक है। MetaMask पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करना, कनेक्ट पे क्लिक करना, देन ये सक्सेसफुली यहाँ पे आपके वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना डोमेन को ही रजिस्टर करना है। डोमेन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप कोई भी A to Z नाम सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फ्री में जानकारी यहाँ पे लिख दिया, देन यहाँ पे आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको मिंट करना है, उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो 10 टोकन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये बोल रहा है डोमेन नेम मस्ट बी लेस देन मतलब आपको 10 करेक्टर मतलब 10 करेक्टर से आपको कम का होना चाहिए। तो मेरा मतलब ज्यादा हो गया, तो मैं अपना छोटा नाम डाल देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे एक बार चेक करके देखता हूँ, रिकॉर्ड पे तो कुछ नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप मिंट पे क्लिक कर देना। अब देखो जैसे ही आप मिंट पे क्लिक करोगे तो अगेन आपको यहाँ पे जाना है और 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, और आपके MetaMask पे एक कन्फर्मेशन आई होगी, ठीक है। MetaMask पे जैसी कन्फर्मेशन आई होगी और यहाँ पे आपके पास से 0.24 फीस कट रही है, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे आपका जो डोमेन होगा वो सक्सेसफुली यहाँ पे मिंट हो जाएगा, आपको नजर भी आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आपको सक्सेसफुली वगैरह लिख के आ जाएगा और आपके वॉलेट ये फंड भी कट हो जाएगा जब ये पेंडिंग देखो हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, जब यहाँ से आपका फंड कटेगा तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। देन यहाँ पे आपको मतलब आपका डोमेन रजिस्टर हो गया इनकी ब्लॉकचेन पे, ठीक है, मतलब सार्डियम ब्लॉकचेन पे, ठीक है, एक हो गया। अब जो सेकंड आपको मैं लिंक दूंगा, ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये गाइस है इनकी NFT की, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करोगे, अगेन उसी प्रकार से 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सटेंशन पे जाना, आपके MetaMask पे एक कन्फर्मेशन आएगी, देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। देन सक्सेसफुली यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है, एरर आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब एरर आया, देन यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आपको एक NFT पड़ेगी 55 SDM मतलब SHM टोकन सार्डियम टोकन की, देन यहाँ पे 2 सिलेक्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक माइनस कर देना है, ठीक है। आपको आप ऐसा करना, आप मतलब एक दिन में एक ही बार फॉसेट ले सकते हो, अगर यहाँ पे आप 2-3 आपके पास डिस्कॉर्ड है तो आप एक दिन में भी ले सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपको 2 करना है तो आपके वॉलेट में फंड होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे वॉलेट में फंड है तो आपको पता है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ मिंट्योर NFT। अब जैसे ही मैं मिंट्योर NFT पे मैंने एक बार क्लिक कर दिया है, अभी समझ लो मैं फिर से जाता हूँ अपने मतलब वॉलेट पे, अंदर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ से 110 टोकन कटेंगे। ये देखो यहाँ पे आ गया है 110 और यहाँ पे इतनी फीस कट रही है, तो मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे ये पेंडिंग लिखना है, इसका वेट करूंगा मैं, ये जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, देन यहाँ पे आपको लिख भी जाएगा कि योर सार्डियम बॉस बेबी NFT मिंटेड, ठीक है। मेरे यहाँ से 2 NFT मिंट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो डोमेन होल्डर को ENS पे कितना तगड़ा एयरड्रॉप मिला था, एंड जो NFT इस प्रकार से आती है, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो Aptos पे वो NFT आई थी गाइस 0 वाली, उसमें यहाँ पे एयरड्रॉप मिला था, ठीक है। तो ये काम आपको सक्सेसफुली कर लेना है। हमने दोनों अपने टास्क, तो हमारे 2 टास्क कंप्लीट हो गए। देन तीसरा टास्क आपको, अब तीसरा टास्क करने के लिए ना आपको पड़ेगी कोई NFT की मतलब फोटो की जरूरत। तो आपको क्या करना, आप तो कोई सी भी ले सकते हो जो आपके वॉलेट, मैं क्या करता हूँ यहीं से ही NFT है ना, इसमें एक बार फोटो पे इस पर क्लिक करते रहता हूँ, देन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सेव इमेज का ऑप्शन आ जाएगा और आपके मतलब जो आपकी गैलरी है ना उसमें एक फोटो सेव हो जाएगी।
ठीक है जो। तो तीसरी लिंक आपको देने वाला हूँ ये वाली स्प्रियो, ठीक है स्प्रियो, और यहाँ पे बीटा का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना है ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप शो हो जाए, ठीक है। सबसे पहले इसको भी आपको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको मेटामास्क का ऑप्शन मिल जाएगा। मेटामास्क पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, देखना आपके मेटामास्क पे कन्फर्मेशन आई होगी। सेम नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, देन सक्सेसफुली यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको एक बार इस पे कनेक्ट करना है मेटामास्क पे, ठीक है। अभी आपने वॉलेट कनेक्ट किया था, अब यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट करोगे तो अगेन एक यहाँ से ब्लू कलर का यहाँ पे टिक आ जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको अब साइन इन करना है। जैसे यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे ये बैकग्राउंड का फोटो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको NFT क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल करना चाहते हो सिंगल करना चाहते हो, तो भाई साहब अभी आप सिंगल पे ही क्लिक कर दो, मल्टीपल बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपना एक टाइटल डालना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ेगी और एक फोटो डालना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए आपको अपलोड पे क्लिक कर देना, नीचे यहाँ पे क्लिक करना आप, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना अपलोड पे, और यहाँ पे आप मैंने अभी आपको बताया था ना फोटो, तो वो फोटो इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना, देन ये फोटो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा कुछ ही देर में। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जब मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया था गाइस, तो यहाँ पे मेरी ये वाली NFT अपलोड नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या काम किया, मैंने दूसरी NFT यहाँ से ली और वो यहाँ पे क्लिक कर दी। अब यहाँ पे मैं अपना कोई नाम दे दूंगा इसको, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइटल दे दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देन आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मतलब 2 वाला तो ऑप्शन किया नहीं है, SRTM Liberty 2.0, ठीक है, हमने किया है 1.6 वाला, तो हम नीचे वाला सिलेक्ट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे वाला सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना। आप जैसे ही क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना रहता है, देन यहाँ पे फिर से ऊपर करना है, मेटामास्क पे क्लिक करना है। देन अभी देखो मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, तो मैं वेट करता हूं, तो काफी टाइम लगा बट यहां पे मुझे यहां पे आ गया, ठीक है। इस NFT को क्लेम करते समय आप वेट कर लेना, ठीक है। और मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, तो आप देख लेना एंड यहां पे आपको मेटामास्क पे क्लिक करना है और तब यहां पे आपको कंफर्मेशन करने का आ जाएगा। देख सकते हो यहां पे फीस पे आपको करना है, और यहां पे आपको ये पेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना, बस इस पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पीछे अगर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह आती है, एरर वगैरह आता है, तो उसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपको अपने मेटामास्क के वॉलेट पे ध्यान रखना है, अगर कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे फेल होता है तो दोबारा करना है, और यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाता है तो समझ लो आपका यहाँ पे काम हो गया। तो मेरा यहाँ पे ग्रीन कलर का आ गया, देन यहाँ पे आपकी सक्सेसफुली NFT क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब हमको इनका एक दो डेक्स यूज करने लें, बस एक ही दो, और इनको कर लेना देखो, क्योंकि भाई फ्री मनी है, आपको कितना 12-13 मिनट की वीडियो देख के अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या काम करना है, इसको डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये मोबाइल वर्जन पे अभी मतलब वॉलेट नहीं दिखा रहा था, ठीक है। मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे मेटामास्क किसने दिखा दिया, मेटामास्क पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एरर विल ट्राई, तो यहाँ पे ये मतलब एरर आ गया इसका, तो इसका हम कोई नहीं, आपने बस क्लिक कर दिया हो, आप अपने वॉलेट पे जाके देखना इस प्रकार से, ठीक है। एक ही बार क्लिक करोगे और वॉलेट पे देखना, आपको ये कंफर्मेशन आई नहीं आई, क्योंकि टेस्ट नेट पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत बक्स वगैरह रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना, कनेक्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे ये इससे भी सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नीचे आपको कई सारे टोकन्स वगैरह दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला दिख रहा है, अभी अवेलेबल दिख रहा है SHM, इसमें आप मतलब सिंपल सा आपके पास इस ऐसा डैशबोर्ड रहेगा, आपको ऊपर क्या करना है, आपको अपने ऊपर टोकन डालने, कुछ भी आप टोकन डाल देना, चलिए मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, देन उसके बदले मुझे यहाँ पे इतना जो इनका मतलब SWPD टोकन है ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यही अवेलेबल है, तो यही स्वैप करते हैं, स्वैप पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार, और मैं यहाँ पे अपने थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, एक्सटेंशन पे जाता हूँ, वॉलेट पे कंफर्मेशन आ चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। देन इस पे पे कंफर्म पे क्लिक कर देना, देन आपको यहां पे पेंडिंग का ऑप्शन आएगा, जब ग्रीन हो जाए तो समझ लो आपका ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो चुका है। यहां पे आपको क्या करना, अपने मेटामास्क में ऐड कर लेना, ताकि ये टेस्टनेट का टोकन दिखेगा भी। तो मैं यहां पे ऐड मेटामास्क पे क्लिक कर देता हूं, देन फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करता हूं, देन मेटामास्क पे क्लिक करूंगा गाइस, मेरे कंफर्मेशन वॉलेट पे चले जाना, डायरेक्ट यहां पे ऐड टोकन पे क्लिक करना, और यहां पे आपको एसेट पे जब क्लिक करोगे, तो इनका ये वाला है ना SWPD, ये टोकन आपका शो हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये मतलब जब यहाँ पे स्वैप सक्सेसफुली हो जाएगा तो गाइस, ठीक है। एक्सप्लोरर पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये सक्सेसफुल हो गया है, देन हमारे वॉलेट में,
शो होना चाहिए, बट यहाँ पे आप टेंशन मत लेना, आपका ब्लॉक चेन पे इनका सक्सेस हो गया ना आपका ये वाला मतलब ट्रांजेक्शन, तो आपको कोई दिक्कत वाली जरूरत मतलब वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक दो और ऑप्शन होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, एक तो पोर्टफोलियो को मिल जाएगा। चलिए पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो भी एसेट वगैरह होगा वो शो हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपको, ये पूल पे क्लिक कर देना एक बार, देखते हैं पूल में क्या है, ठीक है। तो पूल पे दो बार मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पे क्लिक करते हैं तो भाई देखो क्या आ रहा है यहाँ पे आपको, मतलब लिक्विडिटी वगैरह शायद डालने के लिए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। एंड अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, देन फिर से मेरे मेटामास्क पे कन्फर्मेशन जाएगी शायद ये लिक्विडिटी मतलब करने के लिए, तो ये भी आप कर देना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको फिर से पेंडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वेट करना। तो यहाँ पे ये गाइस मुझे जो लिक्विडिटी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है टाइम। अब आप लोग क्या करना, आराम से कर लेना, आप लोगों का जब यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपका वॉलेट यहाँ पे आ जाएगा कि आप अपना अमाउंट डालो और यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक कर दो। बस नहीं आता है तब भी मैं आपको टेलीग्राम पे एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो अब इनका जो नेक्स्ट यहाँ पे हम डेक्स यूज करेंगे वो यहाँ पे हम करेंगे फोटोन स्वैप का, ठीक है। आपको फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे इसको ले आना है, ठीक है। ये वाला है इनका फोटोन स्वैप का, आपको क्या करना है कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करते हैं, मेटामास्क पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे ये एरर आ रहा है, मगर हम अपने वॉलेट पे जाके देखते हैं। ये देखो कन्फर्मेशन आई है, यहाँ पे एरर आया है, आपको छोड़ना नहीं है, वॉलेट पे जाके देखना है कि वॉलेट पे क्या मतलब कन्फर्मेशन आया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे ये हमारा पुराना वाला वही अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ देना, आप होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपका अमाउंट दिख जाएगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा नेटवर्क है सार्डियम लेवर्टी वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो अपना सार्डियम के में आपको नीचे 2 टोकन मिलेंगे, एक तो आपको इस प्रोजेक्ट का मिलेगा गाइस, ठीक है, ये वाला प्रोटो मतलब फोटोन है, फोटोन करके, और एक है आप SHM को WSHM में कर सकते हो। ये क्या काम में आता है, लिक्विडिटी ऐड करने के काम में आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनका फोटोन टोकन ले लेता हूँ, कितने का, 10 में ले लेता हूँ, मुझे 10 में इतना आ रहा है, ठीक है। तो मैं स्वैप पे क्लिक करता हूँ, कन्फर्म स्वैप पे क्लिक करता हूँ, देन मेटामास्क पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन आ चुकी है, ये तो कम से कम कन्फर्म हो ही जाना, वो वाला तो अभी तक अटका हुआ है, ये वाला AWP वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ, वेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम मतलब ऐड मेटामास्क पे क्लिक कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारे मेटामास्क में ये टोकन मतलब आ गए हैं, ठीक है। मैंने इस पर एक बार क्लिक कर देना, देन डायरेक्ट आप अपना मेटामास्क ओपन करना डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड टोकन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे जब वो स्वैप हो जाएगा ना तो यहाँ पे आपका जो ये फोटोन टोकन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जब यहाँ पे आपका ये ट्रांजेक्शन पेंडिंग दिख रही है ना, ये ट्रांजेक्शन जैसे यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगी तब, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा मैं ब्लॉकचेन पे भी ले जाके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे मतलब पेंडिंग में ही पड़ा है। तो भाई लोगों, इनको जो स्वैप का फीचर है मे भी शायद वो काम नहीं कर रहा है। देन यहाँ पे मैंने अपने वॉलेट में भी जाके देखा गाइस, कम से कम मैंने यहाँ पे 10-15 मिनट यहाँ पे वेट किया तो मेरे तीनों के तीनों जो स्वैप वाले फीचर हैं वो यहाँ पे पेंडिंग में पड़े हैं गाइस, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे ये कंप्लीट होती है या फिर इनका कोई दूसरा सॉल्यूशन आता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। देन मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन करने ला, जो भी यहाँ पे मतलब कुछ भी अपडेट आएगा फटाक से मैं टेलीग्राम के दे दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।